मगर आज तक जितना सम्मान आपने विपक्ष को देने का काम करते हैं इसके लिए मैं आपको बहुत अब होना भी चाहिए। हम लोग चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष के हो सभी जनता ने चुन के भेजने का काम कर दिया। दुर्गा जी बहुत सीनियर मेंबर आपको आपकी पर्ची आई थी कुछ बोला कुछ पूछी ना आपने तो बैठो। माननीय अध्यक्ष जी आज 7 तारीख से आज 11 हो गए जिस तरह से आपने सबको लेके चलने का काम किया खास तौर पर विपक्ष के जो माननीय सदस्य हमारे हैं जितना आपने सम्मान दिया सबको मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत आप आभार प्रकट करता हूँ। मैं 1985 से मैं पहला चुनाव जीता और तब से मैं आपके बीच लोग में आज प्रतिनिधि के रूप में जनता के प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना और मैंने बीत यहाँ 9 बार हो गया मुझे यहाँ आते स्वागत। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत माननीय विधानसभा अध्यक्ष को मैंने देखा है मगर आज तक जितना सम्मान आपने विपक्ष को देने का काम करते हैं इसके लिए मैं आपको बहुत अब होना भी चाहिए। हम लोग चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष के हो सभी जनता ने चुन के भेजने का काम कर दिया। हम लोग तो अपनी क्षेत्र की बातें उठाने का काम करते हैं समस्या जो रहती है आपने सबको मौका देने का काम किया है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं ये भी लगातार इन्होंने जनता ने इनको भेजने का काम किया लेकिन कंजूस है। हम ये नहीं कर सकते मगर जितना प्रयास आपने तो निर्देशित करने का काम किया है कोई अगर न सुने विपक्ष के तो आपके संरक्षण हम लोग रहते हैं। जो सम्मान आपने सबको दे देते हैं हमारे माननीय सदस्यों को आज तक मैंने देखा है कि इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया। आज हलिए आपने इसका रूपरेखा आपने बदल दिया विधानसभा का एक तो था ये जो गलियारा था उसमें तो एक लगा था कि पिछली सरकार से कि उसको दबा दिया गया था। अच्छा नहीं मैं कई बार कहा गया इस तरह से नहीं बनाना चाहिए मगर आप सब हटवा दिया आप एक नए तरीके से हमारे जो विधानसभा को आपने चमकाने का काम किया है। आज लाइट लगी है हालांकि वो मालूम देता है जैसे कोई 5-स्टार होटल इस तरह का। चलिए धन्यवाद। इसलिए आपने इसको चलिए कि कोई भी बाहर से कमेटियां आती हैं संसदीय कार्य मंत्री कुछ नहीं कहा। चलिए धन्यवाद। कमेटी आती है तो लोग जाते हैं अक्सर जाते हैं हम लोग भी कमेटी में थे तो कई विधानसभा देखने हम लोगों को मौका मिला था मगर यहाँ आने के बाद आपकी बार ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे संरक्षक जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं आज इस तरह के रूपरेखा दिए हैं चमकाने का काम किए हैं क्योंकि विधानसभा हिंदुस्तान में सबसे बड़ी विधानसभा है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आपने संचालन किया है मौका दिया बोलने का मेरी धन्यवाद आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कहना चाहता हूँ एक मिनट उनको बुला लिया उसके बाद क्योंकि ये सबसे कम से कम सबसे सीनियर लोगों में से माननीय खन्ना जी यहाँ पर हैं जो लगातार 9 बार जीत रहे हैं अवधेश जी और दुर्गा जी धन्यवाद। इसलिए आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे धन्यवाद। हम तो भाई तब से आए हैं देखे हैं बहुत परिवर्तन हुआ है धन्यवाद। चलिए बहुत परिवर्तन हुआ है चलिए धन्यवाद आ गया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चलिए कि आप हमारे बोलना तो नहीं तो मैं समझ नहीं चलिए लेकर के मेरे संसदीय कार्य मंत्री जी को माननीय संसदीय कार्य मंत्री चलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री